कटियार प्रखंड के कदेपुरा हरिजन कॉलोनी में स्थानीय ग्रामीण गंदे पानी से परेशान हैं। अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर अपनी समस्या के निराकरण के लिए कर रहे हैं मांग। ग्रामीणों ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा यहां सड़क और नल के साथ सोखता का भी निर्माण करवाया गया है, लेकिन गांव के कुछ लोग सोखता में गंदा पानी जाने का रास्ता को जाम कर दिया है और जिसकी वजह से सड़क पर ही गंदा पानी कई महीनों से जमा है और लोग मजबूरन उसी रास्ते से गुजरते हैं। कई लोग वहां गिर भी चुके हैं। अब लोग गांव के दबंग लोगों के खिलाफ आवेदन लिखकर अपनी समस्या को पदाधिकारी के संज्ञान में दिया है, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। गंदे पानी से ही बच्चे बीमार हो रहे हैं और आवागमन में भी परेशानी हो रही है। नमस्कार, आदाब। एक तरफ जहां भारत सरकार पूरा देश को स्वच्छ करने की बात करती है, सरकार पूरा देश स्वच्छ हो, पूरा राज्य स्वच्छ हो, पूरा जिला स्वच्छ हो, पूरा गांव गांव स्वच्छ करने का बात कहती है, लेकिन ये तस्वीर बयां करने के लिए काफ़ी है कि कहाँ स्वच्छता की। अब स्वच्छता जो प्रचार प्रचार ढिंढोरा पीटा जाता है कि सफाई 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 के नाम पे बिल्कुल खाना पूर्ति की जाती है, आप इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी मौजूदगी अभी कटिहार प्रखंड अंतर्गत कदेपुरा मोहल्ले में है, जो कि बताया जाता है यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो पानी है ये सब एक नाला का पानी है, जो कि नाले सरकार के द्वारा जो सड़क बनाया गया उसमें सोखता का निर्माण कराया गया, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि जो लोग जहाँ पर बनाया गया है बिहार सरकार की ज़मीन में बनाया गया है सोखता, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो लोग अपने कब्जे में कर लिए, वो उन्होंने ऐसा स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया। आप इस तस्वीर से देख सकते हैं महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं और सभी लोग, आपको बता दें इसी मुख्य सड़क है जो आवागमन करती है, आप देख सकते हैं ये गंदा पानी है, कहीं ना कहीं लोगों को बीमार का भी शिकार करने का मजबूर कर, बीमार से भी प्रभावित होते हैं लोग हैं। कई महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर अभी तक ये जो सफाई होनी चाहिए, जो सोखता में पानी जाना चाहिए क्यों नहीं जा पा रहा है, आखिर जो नाला पानी जमा हुआ है कब से जमा हुआ है, कितनी परेशानी होती है, छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं वे लोग इसी रास्ते से स्कूल वगैरह जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, अगर उनके साथ किसी तरह घटना घटती है वो फिसल कर गिर जाते हैं तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे। हम सीधा बात करें, आपको बता दें यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लोग जिला पदाधिकारी से लेकर प्रखंड पदाधिकारी हो या फिर थाना मुफसिल पड़ता है मुफसिल थाना तक को इस बात को लेकर आवेदन देके सूचना दे चुके हैं, लेकिन अब तक किसी तरह का पहल नहीं किया गया। अब तक जो है पानी जो है जस के तस लसका सड़क पर लगा हुआ है, जिससे लोग जो है काफ़ी आक्रोश में हैं। आज जो है वे लोग मजबूर हैं। आज ये कौन सा मोहल्ला? कदेपुरा। कदेपुरा कॉलोनी। कितना उम्र हुआ आपका? उम्र कितना हो रहा है? 60 साल। इसी रास्ते से आना जाना करते हैं? हाँ। डर ना लगता फिसल जाइएगा तो गिर जाइएगा? पिछड़ जाए तो की करो मरिए जेबे। फिर इसी रास्ते से आना जाना करते, और कोई रास्ता है क्या? यही हो रहा है? यह रास्ता छे। अच्छा, वार्ड मेंबर लोग को बोल रहे हैं कि सफाई तो? हाँ हाँ, बोल लिए हम, सब बोल रहे हैं। क्या बोलता है वार्ड मेंबर मुखिया? ओकरा नहीं गुदा नहीं छे। के नहीं गुदा नहीं छे? ए भाऊ सप्ताह नहीं, यही रास्ता। आप देख सकते हैं नाला कहीं ना कहीं जो है ओवरफ्लो हो गया, पानी पूरा नाला में भरा हुआ, जिस वजह से जहां पैर रखता है अगर वो सड़क कमजोर है, सड़क टूटता है तो पानी जो ओवरफ्लो के कारण ओवर पानी बाहर आ जाता है। इस तस्वीर हम तमाम चाची लोगों से कहना चाहेंगे, चूंकि हम जा नहीं सकते वो पानी में, आप तमाम चाची लोग आप लोग आइए, जरा बताइए आप लोगों के साथ क्या क्या परेशानी है, यहाँ आकर बताइए। हम लोग का नाला दिया गया है, नाला में एकदम पानी रहता है, हम लोग का घर आंगन डूब रहा है, सरकारी रोड है और लोग चलता कैसे, बाल बच्चा स्कूल जाता है, कहीं कुछ हम लोग का सुख सुविधा नहीं है। कब से? अभी ये 6 साल भर से ऊपर हो गया है पानी, अभी तक इसमें भर न कोई साफ सफाई न कहीं से कोई चीज बना हुआ है। हाँ, सोखता बना हुआ है। कौन बनाया? सरकार बनाया है, पानी नहीं जाता, नहीं जाने के लिए देता है, बंद कर, जिसका आंगन में है वो जाने नहीं दे रहा है। धर्मू राजा, धर्मू यादव, हाँ हाँ, क्या कहते हैं वो? बोलता है कि हम, मेरे आंगन में है, हम नहीं देंगे पानी जाने के लिए, मेरे आंगन में मच्छर आएगा, मतलब बहुत तरह बीमारी कीड़ा मकोड़ा आएगा, हम नहीं जाने देंगे पानी। रेणु देवी सर जी, बगल में ही घर, पानी लगा हुआ 7-8 महीना से, उसका ऊपर से साल लग गया सर।
बगले में घर है, इसी रास्ता से आना जाना बहुत डर लगते हैं, बहुत डर लगे हैं। इसी रास्ते से जाना आना है। सरकारी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, सब स्कूल है यहाँ पर। यकीनन कहा जा सकता है कि हम भी माफ कीजिएगा बता यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बदबू बहुत ज्यादा कर रहा है, गंध बहुत ज्यादा कर रहा है, बीमार होने का संभावना कहीं ना कहीं। हमारे बीच जो है इस वार्ड के जो है वार्ड मेंबर साहब वो अभी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। वार्ड मेंबर साहब की इतनी सारी परेशानी आकर बता दे, चुनाव के शख वार्ड मेंबर हो चाहे मुखिया हो चाहे सरपंच, तमाम लोग आते हैं, अब पूरे ग्रामीणों से वो बड़े बड़े वायदे करते हैं, वायदे पे कितने कायम रहते हैं ये देखने वाली बात होती है। अभी इन लोगों की ज़रूरत है, वार्ड मेंबर भी मौजूद हैं, उनके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़े हैं। इन्होंने भी अपने पैड पर लिख के कहाँ कहाँ दिया है, यही इस बात को जानेंगे जी। क्या क्या परेशानी है इस वार्ड में, कितनी परेशानी, कितने दिनों से यहाँ पानी का निकासी नहीं। इससे पहले ग्राम सभा में हम लोग जब हम चुनाव जीत के आए थे, हम पहला बार इस ग्राम सभा में दिए कि इस रोड में नाला जो है ना मरम्मतीकरण और अशोकता का निर्माण किया जाए, मगर कई बार दिए कोई सुनता नहीं है। ठीक है जी, सबका वर्चस्व अलग अलग है, और हम गांव में प्रैक्टिस भी करते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस भी है, अपने धंधा में रहते हैं, और यहाँ जो तलवा चाटता है उसका काम होता है, और दूसरे को हम तलवा चाटने वाले आदमी नहीं है, हम काम का सस्ते काम हो मेरा। ठीक है, पत्नी है मैं आप? हम खुद हैं। हाँ, इसकी शिकायत जो आपने MLC वगैरह से किया? MLC से नहीं किए थे हम, ये भबरा पंचायत भवन में एक प्रधान ये इसका शिविर जो लगा था, मुखिया वगैरह को जानकारी है इस बात की? हाँ, सबको जानकारी है, मुखिया जी को बोला, मुखिया जी को बोले तो मुखिया जी बोले कि आप सरपंच को बोलिए, सरपंच लिख के देगा, लिखित तब होगा। तो सरपंच साहब नहीं थे उस दिन, तो हम लोग थाना गए थे, सब ग्रामीण को लेके हम थाना गए, थाना में दिए, BDO साहब को दिए, और हाँ ये DM साहब जो ने लगाए थे इधर, हाँ भवरा पंचायत में, उसमें भी दिया गया था आवेदन, मगर कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या चाहते हैं अब, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये लोग का स्वच्छता का निर्माण हो, और लोगों का ना स्वच्छता ले कुछ दबंग लोगों के कारण जो अपने कब्जे में कर लिए। हाँ ये सही बात है, ये सही बात है, वो जगह खाली था उस समय जिसमें स्वच्छता बना हुआ था, उस जगह खाली था, अभी वो घेर के रखा है, और धर्मू यादव है वो घेर के रखे हैं। जमीन जो स्वच्छता जहाँ बना हुआ है वो सरकारी, वो सरकारी जमीन है, नहीं निजी नहीं है, सरकारी जमीन। क्या कहते हैं आखिर, क्या कारण है? वो उनका कहना है कि स्वच्छता उसमें बन गया था, आप नहीं जाने देंगे, पानी जाएगा तो गंदा महकता है पानी, यही सब कारण। लोगों ने काफी संख्या में आपको चुना था, मत देकर आपको लाया था कि आप वार्ड का विकास करेंगे, जहां प्रतिनिधि हर जगह करें, तो क्या आप इस मामले में उनसे बात किए थे जो दबंगई दिखाते हैं? बात किए थे, उन्होंने यही आश्वासन दिया। हाँ यही बोला कि आपको जो करना है कीजिए, हम मतलब कह लें कि इस वार्ड में वार्ड मेंबर का भी नहीं चलता है, वार्ड मेंबर के लोग जो हैं दबंग, वार्ड मेंबर जो हैं उनकी बातों को भी कोई ध्यान पूर्वक नहीं रखता है, उनकी बातों को सीधे से खारिज कर देता है। मतलब कह लें कि दबंगों का बोलवाला ये कहना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि एक वार्ड सदस्य जो स्थानीय ग्रामीणों के मत से चुनकर आते हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा लाया जाता है कि वे लोग हर मामले में वार्ड मेंबर के द्वारा प्रतिनिधित्व करें कोई मामला को लेकर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी अपना दबंगई दिखाते हैं, और उस दबंगई के कारण जो वार्ड मेंबर हो मुखिया हो किसी का बात नहीं। हम इन्होंने एक आवेदन दिया है, आवेदन में जिला पदाधिकारी से लेकर मुफस्सिल थाना तक को इस बात की अवगत कराया, उस जो आपका आवेदन है मुखिया का हो चाहे वार्ड मेंबर का, तमाम लोगों का मोहर भी है, आप वो भी दिखाएंगे इस तस्वीर के बाद। लेकिन देखने वाली बात है, कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। अगर ये पानी का निकासी का कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए तो यहाँ के बच्चे जो वो अच्छे से जा पाएंगे स्कूल वगैरह पढ़ने के लिए, लोगों को जो बीमार से खतरा हमेशा बना रहता है उन्हें भी कहीं ना कहीं सोखता हो जाए, पानी का निकासी वैकल्पिक ढंग से करवा दिया जाए तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं सुविधाएँ मिलेगी, और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, ताकि जो लोग हैं जो सरकारी नाला बनता है कहीं भी, सरकारी जो रोड बनता है तो लोगों के इस्तेमाल के लिए बनता है, वो नाला बने तो पानी से निकासी जाएगी और सोखता बने उसी के माध्यम से जो निकासी सोखता पानी में जाता है ताकि जो पानी सोखे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर ऐसे दबंग लोग हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।